एक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है Honor 7A के बारे में, यानी कि Honor 7A का सच आपको पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है, जो कि इंडियन रिटेल बॉक्स तो नहीं है, लेकिन ये चाइना रिटेल बॉक्स के अंदर डिवाइस एग्जैक्टली वही है जो कि आपको मिलने वाला है। तो बॉक्स खोलते ही क्या मिलता है हमें सबसे पहले, मिलता है फोन जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये गोल्डन व्हाइट वेरिएंट आया है, जिसमें व्हाइट बेजल यहाँ पे देखने को मिलता है और पीछे की तरफ मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी फिर भी अच्छी है। इस फोन की प्राइस है तकरीबन 9000 रुपए, और 9000 रुपए में आपको काफी बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि तकरीबन 5.7 इंच का है। अब बात करते हैं बाकी और चीजें क्या है इस फोन के पैकेज में। तो एक चार्जर, और ये एक रेगुलर चार्जर है जो कि आपका 1 एम्पियर चार्जर है। साथ ही साथ इस फोन के अंदर यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर मिल जाती है माइक्रो यूएसबी केबल। तो माइक्रो यूएसबी केबल, चार्जर और यही सब चीजें हैं इसके बॉक्स में। तो बॉक्स को रखते हैं साथ में और बात करते हैं अब Honor 7A के बारे में, जो कि फिलहाल बूट हो रहा है। तो सबसे पहले तो प्राइस आपको बता ही दिया है, 9000 रुपए इसकी फोन की प्राइस है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्लास्टिक जरूर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है। साथ ही साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है आपको, और साथ साथ मिल जाते हैं 2 SIM कार्ड स्लॉट, जिसमें आप 4G का सिम कार्ड जो है लगा सकते हैं। तो फोन यहाँ पे बूट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाता है Honor 7A। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे इस फोन में आपको देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इस फोन के अंदर डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले यहाँ पे 5.7 इंच का है, IPS LCD डिस्प्ले है, और साथ ही साथ ये 18:9 डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो डिस्प्ले यहाँ पे 720p है भाई, लेकिन डिस्प्ले 720p होने के बाद 5.7 इंच के डिस्प्ले पे भी यहाँ पे पिक्सेलेशन वगैरह महसूस नहीं हो रही है, और कोई भी क्लैरिटी की दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है, जो कि एक अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इमोशन UI 8.0 यहाँ पे मिलता है, और ओरियो भी यहाँ पे है, यानी कि 8.0 ओरियो का वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम बात करें कैमरा की, तो फ्रंट में मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि अच्छी सेल्फी कैप्चर कर सकता है, ना सिर्फ डे लाइट में साथ ही साथ इंडोर लाइट में भी। हालांकि थोड़ी नॉइज वहां पे देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें रियर कैमरास की, तो रियर कैमरा यहां पे 13+2 है, और 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो डेप्थ सेंस करता है, और कैमरा के रिजल्ट्स यहां पे अच्छे दिए गए हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स यहां पे हैं, और उन सैंपल्स को देख के आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की क्लैरिटी यहां पे देखने को मिलती है। तो यहां पे हमारे अमित जो है, इनका फोटो हमने लिया है, और आप देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर अच्छा बढ़िया बुके इफेक्ट मिल जाता है। साथ ही साथ हमें फोकस में भी है, और पीछे की तरफ से लाइट भी आ रही है, तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है एजिंग में या फिर ब्लर वगैरह में। अगर मैं अपनी सेल्फी की बात करूँ, तो सेल्फी की क्लैरिटी भी यहाँ पे अच्छी है, जबकि ये इंडोर लाइट में सेल्फी ली गई है, तो सेल्फी यहाँ पे अच्छी आ रही है। साथ ही साथ रियर कैमरा में अगर आप क्लोजअप फोटो लेंगे, तो कुछ इस तरह की फोटो यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसके अंदर आपको अच्छा क्लैरिटी तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ कलर्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो कैमरा के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे थम्स अप है इस फोन को। 9000 रुपए के हिसाब से इस फोन के अंदर आपको बढ़िया कैमरा मिल रहा है, जो कि मुझे अच्छी लगती है बात। अब हम बात करते हैं इसके हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन 430, और 430 इतना ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एसफल्ट 8 गेम चल जाता है। अगर हम बात करें पबजी की, तो पबजी तो डेफिनेटली हैवी गेम है, लेकिन पबजी को लोड होने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद एक बार लोड होने के बाद PUBG भी आप इस पे खेल सकते हैं। डे टू डे यूजर्स के लिए, मॉडरेट यूसेज के लिए इस फोन में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें रैम की, तो 3GB की रैम मिल जाती है, प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है, और 9000 रुपए में आपको 3GB की रैम आराम से मिल रही है, 32GB की स्टोरेज मिल रही है, SD कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड मिल रहा है, तो आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, और 3GB की रैम से मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पे 3000mAh की है, डेफिनेटली फास्ट चार्जिंग तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाती है, और 3000mAh की बैटरी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। तो कुछ इस तरह से था यहाँ पे Honor 7A का रिव्यू, जो कि हमने आपको सीधा सीधा बता दिया है। डेफिनेटली बजट एंड्रॉइड फोन्स के अंदर ये एक अच्छा फोन हो सकता है। अगर आप कैमरा अच्छा चाहते हैं और प्राइस ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, तो 9000 रुपए में आपको अच्छा कैमरा यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगेन, अगर आप पावरफुल हार्डवेयर चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको और फोन कंसिडर करने चाहिए। तो इस तरह से था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन दबाइए। अगर आपको इस तरह के वीडियोज और देखने हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।